पहले बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में ई विधान प्रणाली की शुरुआत हो गई है और अब से विधानमंडल की कार्यवाही पेपरलेस होगी। तो विधानमंडल का बजट सत्र ई विधान प्रणाली से ही होगा। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया है। आपको बता दें यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू हो रहा है और ई विधान सभा के जरिए कार्रवाई को पेपरलेस बनाने का इरादा है। तो इस पर पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए तमाम जो तैयारी है वो भी पूरी हो चुकी है और प्रशिक्षण अब दिया जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक तो जनता के प्रति हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील बनना पड़ेगा। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं तो विधानसभा से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारा प्रयास हो कि कम से कम एक या दो सदस्य विधानसभा में जो अच्छे हो, एक तो हम नए सदस्यों को बोलने का मौका जरूर दें। तो इस बार की जो विधानसभा है वो बदली बदली नजर आएगी, नजारा बेहद अलग होगा और इस अद्भुत नजारे के लिए तमाम तैयारी यहां पर की जा चुकी है। पेपरलेस कार्यवाही की बात यहां पर अब तक की जा रही थी, अब उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा हाईटेक हुई है,